दो दिन की जिंदगानी भाई हण मुका मैं अपनी रे भाई हण मुका मैं अपनी रे हर सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम सुमरण दे हर सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम सुमरण दे हर सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम सुमरण रे यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम सुमरण रे दो दिन की जिंदगानी भाई हण मुका मैं अपनी रे 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 हर सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम सुमरणी रे जन्म या दुनिया में मनुष्य जन्म नहीं बार बार आवे 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 अरे पड़ चवरा से को फेरो जवा जाए नर दे ही पावे भैया या दुनिया में मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलते इस देह को प्राप्त करने के लिए कितना जतन करना पड़ेगा कितना पुण्य संचय करना पड़ेगा और हमारा अनंत जन्म का जब पुण्य संचय होगा तब कहीं भगवान की कृपा से हम कहीं मानो देह मिलेगा लग चौरासी योनि भर में हो भटक्यो कहीं अवतार अरे तो थारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य जो लड़िया तो आज तो मिले ये मानुष अवतार चौरासी को चक्र पूर्ण करना का बाद फिर ये मानव शरीर मिले लेकिन ये मानव शरीर पाना का बाद हम ऐसा कोई काम कर लेवा कि हमारा जाना का बाद दुनिया हमको याद कर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं यारो लेकिन जिंदगी जीव ऐसी कि एक मिसाल बन जाए जिंदगी जीव एक ऐसी कि मिसाल बन जाए क्योंकि यहां कर्म की प्रधानता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर रही सो तसल जागा और सिंगाजी बाबा भी करके किया कर्म तो कबन छूटे और जन्म जन्म दुश्मन हो लूटे
हम देखा साथ जैसा व्यवहार करेगा बदला हमको वही मिलेगा, क्योंकि जो भवांगा वही तो काटांगा। आप किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा, आप किसी को सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा। दुख दिया दुख मिले, सुख दिया सुख मिले, नेकी का बदला नेक है, बदो की बदी देख ले। इसको तो दुनिया मत समझ, ये तो सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। देखा सर जैसो व्यवहार करा, तो यहाँ हमारा संत हमको प्रमाण दे कि गांव का अंदर, समाज का अंदर, परिवार का अंदर हमको सकर बने न रहना, सरल बने न रहना, मीठा बने न रहना, कड़वा नहीं। क्यों? अब विचार करो, दूध का अंदर आप अगर शक्कर डालोगे तो शक्कर को स्वाभाविक गुण है, वह जहां जाएगा जे खास मिलेगा ओखा गुणों का अंदर प्रवेश करेगा, माने मिठास ही देगा। और दूध का अंदर कभी नींबू डालोगे तो वो दूध को खराब कर देगा, दूध फूटी जाएगा। लेकिन विचार करो कि उस नींबू का अंदर ये अवगुण जो है कि दूध को खराब कर सके, दूध को फाड़ी सके। लेकिन हमारा पुराना लोग कहावत कहता था कि भैया हम किसी का लिए गड्ढो खोदांगा नहीं तो पहले उस गड्ढा में हमको ही पड़ना पड़ेगा। अब वो नींबू दूध को खराब जरूर कर सके, लेकिन दूध को खराब करना से पहले उस नींबू को कटना पड़ेगा। पहले नींबू कटा जिसके बाद दूध फटा, और दूध फटा तो पनीर बन जाएगा, और नींबू कटा तो कचरे के ढेर में जाएगा, वो कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता, अगर ऐसा कर्म कर ले तो हमारा संत कहे हर सी तो जाय वैकुंठ, सीधो जाय वैकुंठ, कभी तो राम नाम गाव, कभी तो राम नाम गाव, कभी तो राम नाम गाव, कभी तो राम नाम गाव। हरे अमर नाम दुनिया में करे न कीर्ति फैलावे, हरे अमर नाम दुनिया में करे न कीर्ति फैलावे, हर जेकी जैसी करनी, हर जेकी जैसी करनी, वसी भाई पारव उतरनी रे, वसी भाई पारव उतरनी रे, वसी भाई पारव उतरनी रे, वसी भाई पारव उतरनी रे। अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी, सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी, अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे, अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे। अरे दो दिन के जिंदगानी भाई होण मुकाम अपनी रे, भाई होने मुकाम अपनी रे, भाई होने मुकाम अपनी रे। अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे, ओ यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे, अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे, ओ यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरनो हरी।
मदन काया को गरम छोटो सारो गर्भ नहीं करनो छोटो सारो गर्भ नहीं करनो छोटो सारो हर जरा वाट नहीं लग ये तन से हो जासे न्यारो ओ भाई जरा वाट नहीं लग ये तन से हो जासे न्यारो संत कह के भैया ये तन काया को गर्व करनो नहीं झूठो सास। और अगर वास्तविकता आप देखो तो गर्व करोगे किस चीज को? यहां हम ना तन को गर्व कर सकता, ना मन को गर्व कर सकता और ना धन को गर्व कर सकता, क्योंकि तन भी एक काची माटी को ही तो उतड़वा है। अभी वाणी में आया काची काया को पिंड बनायो महिमा आती अपार, एक ही पाव बलक की खबर दा भाई ये लटकन लागे भार, समझ मन समरण करी न सा। देखो गर्व भी नहीं कर सकता, मन को गर्व भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी स्थिर नहीं रहते। कब बुलन बेल में डाल दे, कब नुकसान कराड़ दे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से तो मन ही करावे भजीत। तो मन को गर्व भी नहीं और धन को गर्व भी नहीं, क्यों? क्योंकि समय हमारा पक्ष में चे तो हम करोड़पति भी बनी सकें, और कभी समय विपक्ष में ही जाए तो रोड़पति बनना में भी देर नहीं लगे, क्योंकि यहां इंसान नहीं समय बलवान है। तभी आ कहन पड़ो वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, वक्त के हाथ में है सभी, जाग जरा इंसान। वक्त से आदमी तख्त पे बैठा, वक्त से पहना ताज है, और वक्त पड़े तो दाने दाने से भी हो जाए मोहताज है। तो यहां किस बात को गर्व करो? इसलिए सिंगाजी बाबा कहन पड़ो झूठी काया झूठी माया झूठा सकल पसारा और झूठी अर्धंगी तोहे भरमावे नहीं उतरण दे गो पारा रे हंसा मत बहे मोह की धारा। देखो गर्व करो न तन को न मन को न धन को, ये तन काया को गर्व नहीं करनो झूठो सारो। अरे जरा वाट नहीं लगा ये तन से हुई जा सके, ये शरीर का अंदर काया का अंदर जब तक वो चेतन सत्ता चे तब तक ये चली थी रोई, और चेतन सत्ता बाहर हुई तो फिर ये माटी को पुतलो माटी में मिली जाए। इसलिए हमारा संत कहे माटी में माटी मिल जाएगा, माटी में माटी मिल जाएगा, एक दिन हो जासे गारो एक दिन हो जासे गारो एक दिन हो जासे गारो हरिया काया का ऊपर एक दिन होंगी अवचारो हरिया काया का ऊपर एक दिन होंगी अवचारो हरिया काया का ऊपर एक दिन होंगी अवचारो फिर चर से गाँव कार ढोर रह गई नाम निशानी रे 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 अरे सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे मिल रहे अरे सबसे हिल मिल रहे
राम सुमरणे रे ओ यहाँ सब ते मिल रे नो पेरनो राम सुमरणे रे अरे दो दिन के जित गाने भाई होन मुकाम अपने रे भाई होन मुकाम अपने रे ए भाई होन मुकाम अपने रे भाई होन मुकाम अपने रे अरे सब से हिल मिल रे नो पेरनो राम सुमरणे रे पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जे के अरे लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जे के अरे लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जे के अरे लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जे के यहां अगर अपन बड़ा बड़ा ने की बात करा तो इनका से बड़ा कोई होगा कितना बड़ा बड़ा लंका पति से मर गए लंका पति से मर गए भीष्म पितामह की बात क्या अरे सम्राट मिट्टी में मिल गए तो मूर्ख तेरी औकात क्या जब इतना बड़ा बड़ा नहीं रहा तो अपनी काय औकात अहंकार में तीनों गए अहंकार में तीनों गए धन बल और वंश ना मानो तो इतिहास उठा के देखो रावण कौरव कंस कितना बड़ा बड़ा चली गया अब इतना बड़ो लंका को राजा लाख पुत्र सवा लाख नाती सोना की लंका चार चोपड़ी राज यम काल मृत्यु सबों का अधीन किस बात की कमी थी कोई बात की कमी थी कमी थी तो केवल अपना आप पहचानना की अपना आप पहचानना की और हमारा संत प्रमाण दे कि इंसान भगवान ना बन सके इसका हमें कोई गम नहीं मत बनो भगवान मत बनो कोई संत महात्मा आप जो छे केवल वही बनी न रहो मनुष्य जन्म दुर्लभ है हमारा संत प्रमाण इंसान भगवान ना बन सके इसका हमें कोई गम नहीं
अरे इंसान केवल इंसान बना रहे, वो किसी देवता से कम नहीं। हम जो थे केवल वही बने रहा। हमारी इंसानियत, हमारी मर्यादा, हमारा संस्कार जीवित रहे, हमारा संत प्रमाण दे कि कोई अलग से स्वर्ग और नरक की स्थापना नहीं है। हम जहां थे वही थे। हमारे भारत में महाभारत भी होता है, हमारे भारत में महाभारत भी होता है। कहीं पर बैठा विधाता भी रोता है, और यही तो सोचने में तर्क होता है। अरे जहां पर मर गई मानवता, केवल वहीं पे नरक होता है, अलग नहीं। अब विचार करो, इतनो बड़ो लंका को राजा रावण, चार चोकड़ी राज, यम काल मृत्यु सबों का आधीन, फिर भी सारी लंका जली और खाक में मिली। लेकिन बदनामी किनको झेलना पड़े? हमारा हनुमान जी कि हनुमान जी ने सारी लंका जले ने राख कर दी। लेकिन जरा विचार करो, हनुमान जी जैसा परम संत, परम भक्त, वो कभी किसी के जलाना को काम करेगा? कभी नहीं। क्योंकि जिस समय हनुमान जी लंका का अंदर गया, उस समय वहां एक राक्षसी रहती थी, त्रिजटा। और उनको एक सपना आया, सपने वानर लंका जारी जातू धान सेना मारे। त्रिजटा कहने लगी कि रात तुम्हारा सपना में एक बंदर आया, एक वानर आया, और उन्होंने सारी लंका के जले ने राख कर दी। अब हनुमान जी वहां उपस्थित, अब हनुमान जी विचार करने लगे कि अपनो काम जलाना को तो नहीं है, अपनो काम तो सजाना को थे, लेकिन इस राक्षसी का सपनों आयो। तो हनुमान जी विचार करते कि सपनों किन दियो? तो बोले भगवान, बोले भगवान पूरा काम कर देगा, अपन केवल खड़ा रहो, माध्यम बनो, निमित्त बनो, सारो काम भगवान कर देगा। अब उस समय सारी लंका जली, खाक में मिली। लेकिन अब प्रश्न ये उठे कि लंका किसने जलाई? ये प्रश्न खड़ो है कि लंका किसने जलाई? तो जो बुद्धिमान लोग का, समझदार लोग का, वो कहने लगे कि भैया लंका को कौन जला? वो तो भगवान राम का प्रताप मात्र से लंका जले ने राख हुई, क्योंकि स्वयं ब्रह्म को अवतार भगवान राम, सब कर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपुरी जोई, जेका प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है। लंका को कौन जले? स्वयं भगवान। तो क्या निकला निर्णय, लंका किसने जलाई? तो बोले लंका राम के प्रताप ने जलाई, भगवान राम का प्रताप मात्र से सारी लंका जली। एक निर्णय ये। फिर कोई कोई कहे कि भैया नहीं, ये तो माता सीता का संताप से जली, क्योंकि माता सीता लंका के अंदर कितनो दुख झेलना पड़े, उस दुख की बिरहा अग्नि में सारी लंका जली। तो लंका किसने जलाई? सीता के संताप ने। लेकिन फिर कोई कोई कहे कि भैया नाम तो हनुमान जी को भी आ गया कि लंका हनुमान जी जले, अपन जरा उनका से तो पूछा कि महाराज ये लंका आपने जले? हनुमान जी से पूछे कि महाराज लंका आपने जले? तो हनुमान जी कहते भैया मन नहीं जले, मारा बाप ने जले। कि तुम्हारो बाप कौन? बोले पवन। क्योंकि पवन चले तब तो लंका जले, और उस समय ये प्रमाण मिला कि 49 पवन चले तब लंका जले। तो लंका किसने जलाई? हनुमान के बाप ने। सबने ना अपनी अपनी तर्क दी कि लंका किसने जलाई। तो कोई कहे लंका राम के प्रताप ने जलाई, कोई कहे लंका सीता के संताप ने जलाई, तो कोई कहे लंका हनुमान के बाप ने जलाई। लेकिन उस समय रावण कहते कि महाराज तुम सब चुप रहो, ये तुम्हारा कोई से जली? तो लोग कहते भैया तू बता किनका से जली, फिर किन्न जले? तो रावण कहे कि लंका ना तो राम के प्रताप से जली, ना सीता के संताप से जली, ना हनुमान के बाप से जली, अरे लंका जली तो केवल रावण के पाप से जली, रावण के पाप से जली। एक कोई जला ना।
हर लाख पुत्र सव लाख नाते अब नात रहन देखे हर लाख पुत्र सव लाख नाते अब नात रहन देखे हर लाख पुत्र सव लाख नाते अब नात रहन देखे कंस को वंश अरु भाई ताकत छे के की 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 अरे कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो ने के अरे कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो ने के जगत में कर लेनो ने के ओ भाई कोई दिन लड़नो बिरनो जगत में कर लेनो ने के अरे बड़ा बड़ा योद्धा गया आसा सोया धरनी रे आसा भाई सोया धरनी रे आसा भाई सोया धरनी रे आसा भाई सोया धरनी रे अरे सबसे हिल मिल रहनो फेर स्मरण रे जन सब से मिल लेनो फिर नो राम स्मरण रे अरे सब से मिल रहनो फिर नो राम स्मरण रे सब से मिल लेनो फिर नो राम स्मरण रे अरे दो दिन के जिद गाने भाई हण मुका मैं अपने रे भाई हण मैं अपनी रे भाई मन मुका मैं अपनी रे हर सबसे हिल मिल रहनो फिर राम स्मरणी रे या सबसे हिल मिल रहनो फिर राम स्मरणी हो या सबसे हिल मिल रहनो फिर राम स्मरणी रे या सबसे हिल मिल रहनो फिर राम स्मरणी रे गुरु महाराज की जय गुरु सिंह जी महाराज की जय इसी का साथ आज की वाणी को यही विराम इसी प्रकार कल भी